हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ना, लास्ट वीक हम लोग कोलकाता गए थे। उस ट्रिप का, उस शॉपिंग का थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स दिखाया था, एंजॉयमेंट किया वो भी दिखाया, बट फुल्ली एक शॉपिंग में हम लोगों ने क्या क्या लिया ना, किस प्राइस में लिया, कैसा है, वो सब मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था, क्योंकि इसका एक लॉन्ग वीडियो मुझे बनाना ही था। तो उसका मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा टाइम निकाल करके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है वहां से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं कि हम लोगों ने ना कोलकाता में बहुत ज़्यादा शॉपिंग घूम घूम कर नहीं की, एक ही जगह पे कर लिया, क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्टेज था हमारे पास। हम लोग सिर्फ वहाँ पर 1.5 डे के लिए ही गए थे, समझिए। तो वहाँ हम लोगों का जहाँ पे इवेंट था ना, द ग्रैंड ओवेरॉय, उसके बगल में ही एक एस्प्लेनेड मार्केट है, तो हम लोगों ने जस्ट वहीं से शॉपिंग कर ली, क्योंकि वहाँ पर भी एक लोकल मार्केट लगता है। तो जितना चीज़ हम लोगों को दिखा, हम लोगों ने एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा घूम लिया और फिर ले लिया वहाँ से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले ना, मैं आप लोगों को इयररिंग्स दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक है। जनरली तो मैं ऑफिस की वजह से यही पर्ल वाला ही पहनती हूँ, बट अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने लिया क्या है चेंज कर करके पहनने के लिए। तो सबसे पहले ना, मुझे एक ये वाला पसंद आया था, आप लोग देख सकते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। और इसको मैंने कोलकाता में, जब मैं साइंस सिटी घूमने गई थी, तो वहाँ पर पहना भी था इसको। ये देख सकते हैं आप लोग, इसी का एक गोल्डन कलर है जो मेरी सिस्टर को पसंद आया था, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया था। देखिए, इसी का एक ये गोल्डन कलर का सेम। अब इसके जैसा एक और ट्रेंड में है वो ये है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है पहनने पर, बट मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, बस देखा था, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ले लिया है। देखिए, तो ये अभी तक टोटल 3 हुए। अभी आप लोगों को और दिखाती हूँ। इसके बाद ना, मैंने नॉर्मल सा दिखाती हूँ। एक ये है जो कि सूट साड़ी वगैरह के लिए मैंने लिया है, सही लगेगा साड़ी वगैरह पे, जीन्स पे तो नहीं उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इयररिंग्स में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है, ये भी काफी ट्रेंड में है, ये इस तरीके का है, आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे। पहनने पे ना कैसा लुक आएगा, मैं एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इस तरीके का है इसको, मुझे तो लगता है इसको मैं ऐसे भी पहन सकती हूँ, ठीक है, और नहीं तो ऐसे जो एक्चुअल में पहना जाता है इसको, या जिस तरीके से मुझे मिला था। इसको पहनना थोड़ा सा ट्रिकी है, बस कोई पहनाने वाला हो तो बेटर है। ये देखिए, लुक्स कूल यार, ये आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके का लगेगा, नहीं तो इसको फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअली मेरे कान का होल ना काफी नीचे है, तो ये ऊपर ऐसे नहीं हो रहा है, ये ऐसे भी रह सकता है, अच्छा लग रहा है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके बाद बारी आती है ना, एक नेकलेस सेट भी मैंने लिया है साड़ियों पर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनती हूँ, तो मुझे लाइट चाहिए था, तो ये मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हो। ये मुझे आई थिंक 200-220 अप्रॉक्स पड़ा था, 200 तक, तो मुझे बहुत पसंद आया। चाहे आप नेट की साड़ी पहनो या हैवी वर्क वाली साड़ी भी पहनो, जिसपे आपको लाइट मेकअप करना हो, तो ये आपका सही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉपिंग की तरफ। ये मैंने एक अपने लिए लिया है, ज़्यादातर शॉपिंग मैंने अपने लिए ली है, क्योंकि राशि के तो यहाँ से भी हो जाता है शॉपिंग, मैं खुद के लिए ही नहीं कुछ कर पाती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से कर लिया क्योंकि मैं गई थी। देखिए, ये है इस तरीके का बैंड, तो मतलब मेकअप वगैरह करूँगी तब के लिए है, और ऐसे भी घर में अच्छा लगता है। उसके बाद ना, एक ये है राशि के लिए, ये वाली, उसको अभी मैंने पहनाया नहीं है,
और भी उसके लिए एक दो चीजें ली थी जो वो शायद यूज कर चुकी है, क्लिप्स वगैरह जो ली थी वो यूज कर चुकी है, तो इसलिए। और उसको कहा ना कि मुझे अगर उसके लिए कुछ लो ना तो वो तुरंत ही उसको यूज कर लेती है, तो उसका फिर उधर ही रह गया। और फिर ये एक मैंने जूड़ा क्लच लिया है, जूड़ा क्लच बोल रही है, ऐसे क्लच है। अगर आपके बाल छोटे हैं पतले हैं तो ये काफी ज्यादा सही रहेगा, मतलब जूड़ा बना लो साड़ी पे, आप ऐसा लगा लो, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। और इसका प्राइस मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बट अफोर्डेबल ही था, ऑनलाइन से तो सस्ते ही था। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आनी बाकी, अभी तो छोटी मोटी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो अब चलते हैं ड्रेसेस की तरफ। एक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जब मैं साइंस सिटी गई थी तो मैंने इसको यूज कर लिया था, इसको धुला है इसलिए ऐसा हो गया है, बट पहनने पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको उस दिन वेयर कर ही लिया था। अब आप लोगों को दूसरा टॉप दिखाती हूँ। ये एक टॉप है, इन सबको मैं ट्राई करके एक वीडियो जरूर डालूंगी। ये मेरा दूसरा टॉप है, ये पहनने पे ना बहुत अच्छा लगता है, इन सबको ट्राई करके एक वीडियो जरूर डालूंगी। फिर ये एक तीसरा टॉप, ये सिंपल सा है, इनर वियर भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज दिस, स्ट्रेचेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ इश्यू भी नहीं हो सकता इसमें, आप लोग हेल्दी भी हो तो पहन सकते हो, तो ये है वो टॉप। नेक्स्ट टॉप ये वाली, जो ना काफी अच्छी लगती है पहनने पे यार, इसको एक बार ट्राई करके वीडियो जरूर बनाऊंगी। पैटर्न इसका ना कुछ ब्लैक वाले जैसा ही है, आप लोग देख सकते हो, कलर वाइज ये बहुत प्यारा है। और नेक्स्ट वाला जो है ना, सारे को तो मैंने ओपन कर लिया था, इसको नहीं किया था अभी तक ओपन, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ सामने मैं ओपन करके। ये है, ये भी ना बहुत प्यारा लगता है, ये मेरी सिस्टर की चॉइस है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने फुटवेयर भी लिए थे और मेरी सिस्टर ने भी लिया है, तो फुटवेयर में एक्चुअली दो ही है, ये एक है, फुल लगता है पहनने से, ये भी ना पैरों पे काफी अच्छा लगता है पहनने से, ये भी आई थिंक ये मुझे 200 का पड़ा है कुछ डेली वेयर के लिए घर में, ये भी सेम प्राइस था। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना जो मैंने फील किया कि रांची में भी इसी कॉस्ट में मुझे मिल जाएगा, तो मैंने इतनी ज्यादा शॉपिंग नहीं की। और रांची के लिए कुछ टॉयज वगैरह लिए तो वो तुरंत ही उसने तोड़ भी दिया यूज कर करके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। खरीदी मेरी शॉपिंग की हुई चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।